दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके यूनिवर्सिटी बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी मून सिटी स्केप्स बिल्डर रिलिव द ग्लोरी एंड को स्पॉन्सर्ड बाय काव्या होटल्स मऊरानीपुर एंड गैलेक्सी इंटीरियर डिजाइन झांसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूँ आपके साथ संध्या वर्मा। और मैं हूँ प्रियंका। समय है खबर फटाफट का, खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लिंक छोटा सा ब्रेक, तब तक देखते रहिए न्यूज बीके। City build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर झांसी। काव्या स्मार्ट रेजिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें। काव्या स्मार्ट रेजिडेंसी पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी, गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मूल सिटी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहली खबर झांसी से। सांसद झांसी ललितपुर व विधायक बबीना द्वारा बड़ागांव CHC में ऑक्सीजन प्लांट का हुआ लोकार्पण, विधि विधान व पूजन अर्चन के साथ शुरू हुआ प्लांट। COVID-19 की थर्ड वेव से निपटने के लिए ऑक्सीजन रहेगी उपलब्ध। झांसी की ग्वालियर रोड पर दिल्ली दरबार ढाबे पर चली गोली, आपसी विवाद में हुआ था हंगामा, सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को लगभग 1.5 करोड़ कीमत के गांजे के साथ पुलिस ने दबोचा। नारियल के बीच गांजा छिपाकर ला रहे थे चोर बदमाश, SP देहात नेपाल सिंह ने माल की कीमत बताई 1.5 करोड़ रूपए। झांसी पुलिस ने पकड़े 5 साथी चोर, भारी मात्रा में बरामद किया गया था पेयजल योजना का पाइप, 1 लाख की नकदी व असलाह भी बरामद, भेजा गया जेल। सावन के अंतिम सोमवार को दिखी एकता की मिसाल, समाज सेवी संदीप सरावगी ने किया महादेव का जलाभिषेक, स्वागत के लिए उमड़ी सैकड़ों मुस्लिम भाइयों की भीड़, यात्रा का किया गया स्वागत। समाज सेवी मुकेश राजपूत ने अमर वीरांगना अवंती बाई की मनाई जयंती, टीम के साथ बिहारी चौराहे पर अवंती बाई की प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण, 18 डॉक्टरों का भी हुआ सम्मान। बांदा में हाई स्कूल इंटर के अंक पत्र में गड़बड़ी को लेकर NSUI का प्रदर्शन, छात्रों के अंक सही नहीं होने पर दी गई आंदोलन की चेतावनी। सेना में तैनात सूबेदार के सूने घर में चोरों ने किया हाथ साफ, कीमती जेवर के साथ जेवर व लाइसेंसी पिस्तौल ले गए चोर, पुलिस ने की जांच शुरू, बांदा के कोतवाली अंतर्गत तुलसी नगर की है घटना। यूपी के फिरोजाबाद में लुटेरों का आतंक, घर में सो रही महिला को बंधक बनाकर ले उड़े माल, लाखों के गहने के साथ 50,000 नगद की हुई चोरी, थाना से कोहाबाद क्षेत्र के जलालपुर गाँव का है मामला। आगरा के एक्सप्रेसवे पर कैंटीन संचालकों ने दिखाई दबंगई, ट्रक ले जाकर जा रहे पूर्व एयरफोर्स कर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कैंटीन के सामने ट्रक खड़ा करने पर हुआ था विवाद, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फतेहाबाद क्षेत्र के एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा की है घटना। ये थी आज की कुछ खास खबरें खबर फटाफट में, कल फिर इसी समय मुलाकात होगी, जब तक देखते रहिए न्यूज़ BK।